नकन बाबू नकन 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 बाबू नकन 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 यार से को पूछने वाला कहाँ चला गया प्रशासन ना इसमें ना जी जान लगा के वो मुजरिम तक पहुंचे, उसको निकाले कि कौन है, और जैसे मेरे पति को मारा गया उसको भी फांसी का सजा दिया जाए, तभी मुझको भी शांति मिलेगा और मेरे पति को भी शांति मिलेगा। रे चंडाल सब, रे कसाई सब हमर बेटा के मार दे लग रहे भाई जाई जुटे। रे चंडाल सब, रे कियो ने देखली, रे कियो ने देखली हमर बेटा के, रे हमर आवाज ओतो गेले लेकिन गोली के आवाज नहीं गेले। अब ए बच्चा के केना जीवन बीतते, एकर केना जीवन बीतते, तकरो लेल हम कहै छी प्रशासन सरकार के जे सरकार किछु व्यवस्था करू, एकरा लेल किछु व्यवस्था करू। हमरा सबके तऽ 60 बरस उम्र भऽ गेल, डर टूटि गेल, कहै छलियै जे आब बच्चा भेलै तऽ अपना बाल बच्चा मे लगतै, परिवार बसलै, बुझलियै अपने गप किया नहि कहा। हमर तऽ डर टूटि गेल, हमर सबके तऽ सब चीज हरा गेल, आब की केना कऽ जीवन बीततै। 7 गो गोली तऽ ओकरा ऊपर एतऽसँ ऊपर छलै, 7 गो, हँ हँ हँ, आ 2 टा दुनू जाँघमे, एगो गोली एहिमे आँखिमे, एगो गोली एतऽ, एगो गोली एतऽ, एहिमे छेदा खून बहै छलै, ताहि दऽ कहि रहल छी, कानमे एगो गोली, एगो गोली एहिमे, एगो गोली एहिमे, एगो गोली एहिमे, एगो गोली एहिमे, एतेक गोली हम देखलियै बच्चाके। हँ, आ एगो गोली, पहिल गोली जे हमरा बुझायल जे पहिल गोली जे लगलै एहि अङ्गुरमे, एना जे केने हेतै ई, तऽ एहि अङ्गुरमे 1 रती ही चमड़ा लटकल, पूरा कटि गेल, एतेक गोली ओकरा देहमे छलै। गोली मारनाइ लगै छै जेना एकटा आम बात भऽ गेलै, राह पर चलैत ककरो केओ गोली मारि कऽ चलि जाइ छथि, ई बिना सोचने कि जकरा हम गोली मारि रहल छियै, जकर मृत्यु भऽ जेतै ताहिके बाद ओकर पाछा जे ओकर परिवार छै से केना चलतै, ओ परिवार केना बर्दाश्त करतै एहि चीजके, जेहो आपसी रंजिश रहै या फिर जेहो तरहक बात रहै, ताहिमे गोली मारि देनाइ एकटा आम चीज भऽ गेलै अखन। मधुबनी आओर दरभंगाके खास कर बात करी तऽ हमरा सबके अक्सर जे अछि से एहन तरहक न्यूज भेटैए आओर आबऽ लए कहल जाइत अछि जतऽ केओ गोली मारि कऽ ककरो हत्या कऽ दै छथिन। हमसब एखन दरभंगाके रामभद्रपुरमे छी जतऽ अभिनव उर्फ विशाल झाके मंगल दिन गोली मारि कऽ हत्या कऽ देल जाइ छनि। हत्या किया कयल गेलनि, ओहिमे के शामिल छलखिन, केओ नजदीकी केओ शामिल छलखिन या फिर केना ई चीजके घटनाके अंजाम देल गेलै, ताहिसँ परिवारो पूरा अनभिज्ञ छथि। लेकिन एहि 4 महीनाके बच्चाके की दोष रहै जे एखन तक ई नहि जानै छै जे ओकर पप्पा आब एहि दुनियामे नहि रहलै। आखिरकार ई पत्नीके की दोष छलनि जे एखन एहि 9 उम्रमे आइ विधवा बनि कऽ बैसल छथि। बेसी की कहू, हमरा सबके अपनो नहि समझ आबैए कि एहि सब जगह पर गेलाके बाद की बात करी। नकन बाबू नकन नकन बाबू नकन 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 यार से को पूछने वाला कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, केना भेलै घटना, वहां से केना पता चललै मंगल दिन? मंगल दिन पहले ना 12 बजे के लगभग में, 12:15 बजे के लगभग में मेरा उनसे बात हुआ। मैंने उनको फ़ोन की कि कब आइएगा घर खाना खाने के लिए, बोले मैंने 1 घंटे में आ रहा हूँ। फिर पूछे बाबू क्या कर रहा है, मैं बोली बाबू ना सोया हुआ है, देख लीजिए वीडियो, नहीं बाबू खेल रहा है वीडियो कॉल में ना, देख लीजिए वीडियो कॉल में, फिर ना बात की है। फिर ना 1 घंटे बाद आने वाले थे, 1 घंटा हो गया, हम उनसे ना बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उनके बिना 1 मिनट नहीं रह पाते थे, हमेशा ना घड़ी ही देखते रहते थे कि वो कब आएंगे कब आएंगे, पूरा समय हो गया। फिर ना मैं ना उनको फिर कॉल की, फिर वो मेरी कॉल को नहीं उठाए, उनका ऐसा आदत नहीं था मेरी कॉल को तुरंत उठाते थे। फिर मेरे मन में पता नहीं थोड़ा मेरा मन ना बहुत घबराया उस दिन, फिर मैंने दोबारा तिबारा कॉल की, नहीं उठाए ना, तो फिर ना यहाँ घर में ना आवाज़ आया, विशाल कह के कुछ सुनाई दिया कि घर में ना कोई कुछ कह रहा है। फिर मैं ना गई ना, तो कोई प्रिंस नाम का लड़का आया था, सब आदमी सब ना मतलब घर के जितने भी आदमी थे ना सब ना दौड़ दौड़ के भाग रहे थे, सब गए, मैं भी ना गई, दौड़ दौड़ के भागी, गांव में बहुत से ना बहुत का गेट पीटी कि मुझको भी लेके चलिए जहाँ ऐसा हुआ है, बताया गया कि खराजगाछी के पास हुआ है। फिर वहाँ गई तो वहाँ मुझे कुछ भी नहीं मिला। फिर मैं ना वहाँ से पता करते करते गई तो ये अनार कोठी वाला जो रास्ता है वहाँ पर ना
सब बोला कि वहाँ पे ही ऐसा हुआ। मैं पूछी कहाँ है तो DMCH गया, मैं पूछी वो जिंदा है तो नहीं, वो ना मर गए, वो ना मर गए। फिर मैं ना हम लोग DMCH गए, फिर भी मन में आस्था नहीं, वो ना जिंदा ही है। फिर वहाँ आ गई, फिर डॉक्टर बोला ये नहीं रहे। अब प्रशासन से की चाहे छी और एखन तक में की प्रशासन द्वारा की काज भले और की चाहे छी? प्रशासन से बहुत उम्मीद है, चाहती हूँ कि न्याय दीजिए और न्याय दे हम लोग को, और फिर ना CBI जांच भी होना चाहिए ताकि ना सही मुजरिम तक पहुंचा जा सके कि कौन ऐसा किया है, कौन ऐसा किया है, इतना नीचा काम कौन किया है जो एक किसी का ना एक छोटे से बच्चे का बाप छीन लिया, मेरा पति छीन लिया, मेरा जिंदगी उजाड़ दिया, मैं कैसे अब रोड पे चलूँगी, कौन सहारा देगा मुझे, एक माँ से उसका बेटा छीन लिया, कौन सहारा देगा, कौन इस बच्चे को सहारा देगा, ये कैसी परवरिश इसका होगा, ये कैसे, वो इतना सारा ख्वाब देखे थे, इतना सारा बोलते थे अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, कैसे ये पढ़ेगा, क्या होगा नहीं होगा, कुछ समझ नहीं आता। सुन सके छी अहाँ सब जे ई एखन जे कष्ट में छथि ताहिमे जतेक रास चीज छै, चाहे ओ विशाल जी जे अपन बच्चा के लऽ कऽ सपना देखने रहथि या हिनकर सबमे दिन हर दिन जे दिनचर्या होइ छै सब चीज कहि रहल छथि, कियाकि एखन ओ ओहि चीजके याद कऽ रहल छथि जे आखिर केना एतेक रास सपना देखने रहथि, लेकिन आज क्षण भरिमे एतेक बड़का एकटा पूरा जीवनके सपना टूट जाइ छै। विशाल जीके माँ हमरा सब सङ्गे छथि, हुनकासँ बात करब आओर जानब केना भेलै चाची आओर केना भेलै। किछु नहि बुझलियै, 11:15 घरसँ निकललै चाय पी कऽ, या चाय बना कऽ देलखिन, चाय पी कऽ गेलै, कहलकै जे तुरते अबै छी, ओकर पप्पा कहलखिन जे आइ मुहर्रम छै नहि जो, कतऽ जेबौ, तऽ कहलकै जे नहि पप्पा हम कोनो बाजार दिस जायब, हम अहीठाम अबै छी चौकपर सँ, तऽ सुरहामे सँ चौकपर कोनो दोकानपर बैसै लै चाह ताह पीलके, चाह पी पियै छलै चाह, तऽ एकटा प्रिंस नामके लड़का छै एहि गामके, छै दोसर गामके लेकिन अहीठमन रहै छै, ओ एकरा सङ्गे अबै जाइ छलै, रहै छलै, घरो अबै छलै, ओ चौकपर बैसल रहै दोकानमे, आ एकरा हमर बेटाके फोन केलकै जे भाइजी की बस कतऽ छी, तऽ ओ कहलकै जे से कोन काज छौ, तऽ अहाँ कतेक देरमे अबै छी, हम एहि चौकपर बैसल छी, ओ कहलकै 10 मिनटमे अबै छी, ओकरे कहब छी, ओ प्रिंसके कहब हम कहि रहल छी, 10 मिनटमे ताबतमे ओकरा से 10 मिनटमे ओ आयल हेतै, बुझलियै। ओकरा अपन गोली मारलकै, ततेक गोली लागल छै, 7 गो गोली तऽ ओकरा ऊपर एतयसँ ऊपर छलै 7 गो, हँ हँ हँ, आ 2 टा दुनू जाँघमे, एगो गोली एहिमे आँखिमे, एगो गोली एतऽ, एगो गोली एतऽ, एहिमे छेदा, खून बहै छलै, ताहि दऽ कहि रहल छी, कानमे एगो गोली, एगो गोली एहिमे, एगो गोली एहिमे, एगो गोली एहिमे, एगो गोली एहिमे, एतेक गोली हम देखलियै बच्चाके, हँ, आ एगो गोली, पहिल गोली जे हमरा बुझायल जे पहिल गोली जे लगलै एहि अङ्गुरमे, एना जे केने हेतै ई, तऽ एहि अङ्गुरमे एक रत्ती ही चमड़ा लटकल, पूरा कटि गेल, एतेक गोली ओकरा देहमे छलै, ओ है फेर ओतेक गोली चललै एतबे दूरके अन्दरमे, तऽ ओ नहि सुनलकै, आ ओ है हमरा एतऽ कहल अयलै, ओ जे अयलै बाहरमे जे आवाज बजलै विशाल भाइजी, कहलकै विशाल भाइजी, विशाल भाइजी नाम जे लेलकै से हम बाहर गेलियै, हम कहलियै की भेलै विशालके, तऽ विशालके गोली लागि गेलै, हम ओकरे मोटरसाइकिल रहै, ओकरे मोटरसाइकिलपर हम बैसलियै चल, तहन बापो दुनू बाप बेटा गेलखिन, ओतऽ गेलाके बाद हम जे गेलियै ओ स्पॉटपर, तऽ ओ झाड़ीसँ नीचा खसल चित भऽ कऽ, मोटरसाइकिल ओ रोडेपर उन्टल, केओ कतौ नहि, हेतनी टाके बच्चा नहि, हम ओतऽसँ आवाज देलियै, हम ओतऽसँ आवाज देलियै, रे चण्डाल सब, रे कसाइ सब हमर बेटाके मारि देलक रे, अबै जाइ जो रे चण्डाल सब, रे किओ नहि देखली रे किओ नहि देखली हमर बेटाके रे, हमर आवाज ओतऽ गेलै लेकिन गोलीके आवाज नहि गेलै, हमर आवाज गेलै लेकिन गोलीके आवाज नहि गेलै। ओकर बाद जतेक औरत जतेक मर्द बुझू ने जे मने 3-4 लोक
हमारा आवाज पर 400 लोग गेले, लेकिन गोली के आवाज पर जे एकटा गोली चलते या लोग जे दौड़ते तो हम तो भागते कि नहीं भागते मारना हार कहूँ अहाँ सब हमर बेटा तो बच जैते हमर छ हाथ के बेटा चले बुझलिए हमर घर तो उजड़ गेल हमर अहाँ देख रहा छी आब अहाँ के हम की कह हमर घर तो उजड़ गेल बुझलिए ओकरा बाद हम फिर से रही रही उठा नहीं रहे हमारे बच्चा के उठा नहीं रहे झाड़ी में छोड़ा सब के आवाज़ दिलिए सब अल सब उठेलक उठा के बच्चा के ऊपर अनलक जखने देखलक तो देखल तो कि कतौ नहीं बुझाएल हमरा लेकिन चल डॉक्टर लग एक गाड़ी जाए छले या माल ढोआ वाला ओहि पर लदल के ओहि पर हमहूँ बैसलिए अहि पर जांग पर बच्चा के माथा धेलूँ आ चल दिलिए हमर दुनू बापू बेटा पाछा से गेलखिन तकर बाद जतऽ से जे बुझलक ततऽ से डी एम सी एच गेलिए एकटा डॉक्टर निमेड में छलखिन सीनियरों कहलखिन हम ही सीनियर छी माँ जी हम कहलिए कि तऽ नहीं है बच्चा नहीं है ओकर बाद अपन जे डॉक्टर के की कह सके छी लेकिन धैर्य राखू आब की धैर्य राखब बेटा आब एकर केना जीवन बीततै प्रशासन से एतबे कहै छियै जे न्याय कऽ दियौ आब तऽ हमर बेटा लौट के नहीं आयत लेकिन ओकरा जे मारल के तकरा प्रशासन सजा दो प्रशासन ओकरा मारो बुझलिए हमर बेटा तो लौट के नहीं आयत ई तो हम बुझै छियै जे हमर बेटा लौट के नहीं आयत लेकिन कनी काल लेल एकरा मन के शांति तो भेटतै आब अइ बच्चा के केना जीवन बीततै एकर केना जीवन बीततै तकरो लेल हम कहै छियै प्रशासन सरकार के जे सरकार किछु व्यवस्था करू एकरा लेल किछु व्यवस्था करो हमरा सबके तऽ 60 बरस उम्र भऽ गेल डर टूटि गेल कहै छलियै जे आ बच्चा भेलै तऽ अपना बाल बच्चा मे लगतै परिवार बसलै बुझलिए अपने गप किया नहि कहा हमर तऽ डर टूटि गेल हमर सबके तऽ सब चीज हरा गेल आब की केना कऽ जीवन बीततै कहै छलियै ठीक छै धैर्य राखू चाची देख सकै छी एकटा माँ के कष्ट के और जे पत्नी के जे कष्ट छन तकरा केओ बयान नहि कऽ सकैए कहि रहल छथि जे बूढ़ भऽ गेल छथि डाँट टूटि गेलनि जखन एहि अवस्था मे ककरो बेटा एहि तरहसँ कोनो बेटा के मृत्यु भऽ जाइ छै तकर माँ के की अवस्था छै से अपने लोकनि देखे रहल छी एहिसँ विशेष एहि बात पर की कहि सकै छी बस एतबा कहि सकै छी जे धैर्य राखू और एहि केस के जे पूरा अपडेट छै से हमसब पुलिस प्रशासन सँ सेहो जानब और ई कोशिश करब जे एहि केस के मे जल्द सँ जल्द न्याय भेटै आखिर कोन तरह सँ प्लानिंग बनलै लड़का के केना बजायल गेलनि ओतय और केना एतेक रास गोली शरीर मे दागि देल गेलनि अगर अचानक से केओ गोली मारते तो एक या दूटा एतेक रास गोली केओ बिना प्लैंड मर्डर में नहीं चला सकैए और शरीर के एतेक रास छेद गोली से कह देना एतेक आसान बात नहीं छै पूरा प्री प्लैंड मर्डर छले और एकर तहकीकात पुलिस प्रशासन के ओही हिसाब से करबाक चाहिए लेकिन प्रशासन के जे चूक रहे छन से कोनो कह वाला बात नहीं छै जे तरह अपराध बढ़ रहा छै ओहिमे प्रशासन के बहुत बड़का हाथ छन आए दिन केओ ककरो गोली मारि दै छै जेना चॉकलेट खेनाई बराबर भऽ गेल छै गोली मारनाई ककरो परिवार के एहि तरह से अधूरा बना देनाई और एहि तरह से नाश कर देनाई ई सिर्फ प्रशासन के ढिलाई छी और किछु नहि हमसब चलब जिनकर मृत्यु भेलनि हुनकर भाई जे उतरी पहिरने छथि हुनको से बात करब और जानय के कोशिश करब जे घटना के की केना देखलखिन ओहि दिन केना पता चललनि हालांकि माँ सबटा बयान केबे केलथि हँ माँ अपना कोरा पर हुनकर माथा के राखि कर DMCH तक पहुँचेलथि हँ और ओ माँ अपन दर्द जे छै से बयान कऽ रहल छथि और एहिसँ बेसी की कहि सकै छी।